बहन जी तुम आ जाओ, दोनों हाथ उठाओ, बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। कल दरबार को 9 बजे ही प्रारंभ करेंगे ताकि कल 3 घंटा दरबार चल सके। सामूहिक अर्जी तो सबकी लगेगी, कल कौन कौन आ रहा है, 9 दिन कथा सुनने कौन कौन आ रहा है। दरबार तो ठीक है, सामूहिक अर्जी लगी जाएगी आपकी, चिंता क्या करना, सेना पहुंच ही जाएगी, काम सफल हो ही जाएगा। पर्चा बनना ना बनना ये जरूरी थोड़ी है, बैठे बैठे राम राम जपो, बालाजी दया कर ही देंगे। हाँ ठीक, बैठे रहो बैठे रहो, अभी उठना नहीं। हाँ इनको भेजो, जय जय सन्यासी बाबा की। कहां से हो बहन? माइक लो। सागर से। हम 1 बजे नहीं, आज हम 1:30 बजे कथा में बैठ जाएंगे। कि 2 बजे बैठे? 2 बजे 1:30 बजे बैठ जाएंगे, लाइट चलेगी ना संस्कार पे, लाखों लोग उस पे वो रहेंगे तो दिक्कत होगी, सबका मन खिन्न होगा। बोलो प्रश्न। डॉक्टर को दिखवाया था, दोनों पर्दों में छेद बताया है, दोनों पर्दों में छेद बताया है। नजदीक आओ। पर्दों में दिक्कत, कान में समस्या बनी हुई है, ऑपरेशन स्थिति है, स्वस्थ होंगे, आशीर्वाद। महाराज आपकी कृपा। और महाराज एक मकान है हमारा, उसपे मतलब हस्बैंड का नाम है, तो वो कब्जा मतलब चाचा लोगों ने कर रखा है, मिल जाएगा या नहीं? हाँ कब तक मिल जाएगा? लेकिन बहुत ज्यादा विवाद है, चूंकि सुनाई तो बढ़िया दे रहा, कोई दिक्कत नहीं। अंदर घाव बना था, एक बार पक गया था, उसी के कारण है।